Dear viewers, you are watching most popular channel Back TV. Subscribe this channel for coverage, recording and YouTube uploading of any interview, press conference, music trailer launch or filmy event. Contact Back TV on +91989204678. We ensure you that your event must be broadcast across the world in HD quality. सर, ये बोल्ड होने से ज्यादा है कि मैं उसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये कैरेक्टर जो हमने निभाया है उसके लिए जस्टिफिकेशन बहुत पहले जरूरी था, और अगर मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं करती, सर अगर मुझसे जस्टिफाई करने का जो तरीका था वो अगर नहीं निकाल पाते तो कुछ और होता। लेकिन जो आपने आप बोल रहे कि बोल्ड है और फिर बहुत ज़्यादा ऐसा है, जब आप पूरी पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कैरेक्टर इतना बोल्ड और इतना जस्टिफाई करने के लिए ज़रूरी था इतना बोल्ड। अभी भी बाकी है इसमें बहुत सारे जी, आप क्या कहेंगे सर, अपना परिचय दें और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाय, मेरा नाम रवनीत सिंह है और मैं इरवान का किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में, जो कि इस फिल्म का मेरे लीड है। सर ने बोले थे अभी स्टोरी के बारे में बताया था तो वो सर से बहुत इम्प्रेस हुआ था। एक होता है मूवी को बनाना और एक होता है मूवी को बताना। सर की बात बताने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप सर के पास बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि मूवी, जैसा आपने बताया कि मूवी थोड़ी बोल्ड जा रही है, लेकिन एक चीज़ को बनाने का तरीका होता है। अगर हम काफ़ी मूवीज़ देखते हैं हमें पता लगता है कि आप इसके अंदर कुछ बोल्ड सीन, लेकिन एक बहुत एक क्लास रखी जाती है हर चीज़ के अंदर। अगर आप क्लास के साथ में कोई भी काम करेंगे तो सारा काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। बाकी हम सब ने मिलकर इसमें बहुत मेहनत करी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और सबसे फेवरेट गाना जो मेरा है वो है हक्का रिश्ता, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। या ओके, आप दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी लग रही है पर्दे पर, लेकिन हम जानना चाहेंगे और कोई ऐसा वाक्य है जो शेयर करना चाहेंगे आप दोनों हमारे दर्शक से? सर सही बोलो, ये बंदा बहुत प्यारा है, बहुत कॉपरेटिव, बहुत फ्रेंडली है, और जैसे हम लोगों ने काम किया या सर ने हमसे जैसे काम निकलवाया, ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कुछ ऐसा बोल्ड किया या कुछ भी। बहुत बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपली वे में उन्होंने करने के लिए भी बोला और बहुत सिंपली वे में उन्होंने तरीका भी निकाला कि कैसे मैं हम कंफर्ट रहे, कंफर्ट जोन में हम काम करें, वो माहौल हम लोगों को सर ने बहुत प्यार से दिया। एक बात कहना चाहूँगी, ये चीज़ बहुत मायने रखता है मेरे लिए, तो खास करके बहुत मायने रखता है। एक कैंसर पेशेंट कैसे इतने जद्दोजहद से, इतने जिद से, जिसको मैं बोलूँगी इतने जिद से उन्होंने पूरी फिल्म बनाई। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर जो पृथ्वीराज ओब्रॉय, ही वॉज कैंसर पेशेंट, और जब उन्होंने मुझे बोला ना, लगा कि जस्ट हाउ इट्स पॉसिबल, तो मुझे इतना एनर्जी, इतना पावर, इतना पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने दिया ना कि मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकती, या एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अगर ऐसा करूँ, मतलब बोर्ड सीन दे रही हूँ या फिर लव मेकिंग सीन दे रही हूँ, कि वो आएगा कैसे, पर्दे पे कैसे आएगा, मुझे एक कभी ऐसा फील नहीं हुआ। क्योंकि उनका कन्विंसिंग पावर और उनका, उनके नियत की बात करो या जो वर्ड का, वर्ड बोलने का एक लहजा होता है। सर आपको शेयर करना चाहिए, आप दोनों की केमिस्ट्री शेयर करते हैं। केमिस्ट्री हमारी एक्चुअली स्टार्टिंग में इतनी खास तो नहीं थी, पर धीरे धीरे वर्कशॉप्स करते करते बिल्डअप होते गए, बिल्डअप होते गए, बहुत अच्छा। और आप कहाँ पहुँची? तो जहाँ थी, और सर उनकी बहुत पीछे छूट चुकी है वो, और सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। इतने भी सारे लोग थे, सर थे, सर लोग बहुत सपोर्टिव थे, बहुत मोटिवेटिंग थे। काम करते वैसे कभी नहीं लगा कि आप कहीं बाहर आए हो काम कर रहे हैं, एक घर जैसा माहौल था। हमारे सीनियर एक्टर ने भी हमें बहुत हेल्प किया। सच बता क्या हुआ? अच्छा, हमारे सीनियर एक्टर, जैसे मैं राजेश पुरी सर का नाम लूँ, पुष्पा मैम का नाम लूँ, या सुधा चंद्रा मैम का नाम लूँ, जब हम
जैसे उन लोगों को देख करके हम बड़े हुए और सडनली आप मेरा उनके साथ वास्ता पढ़ना इट्स लाइक बिग थिंग और मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो सीनियर एक्टर है. इतना कंफर्ट लेवल उन्होंने दिया. जब मैं फर्स्ट शॉट दे रही थी राकेश पुरी सर के साथ तो ऐसा लगा जैसे ही इज़ माई फादर. Just he was treating me like that and still he is treating me like a daughter. और हाँ, इन्होंने बहुत जगह था कि मैं बहुत घबरा जाना थी कि नहीं पता नहीं कैसे हो पाएगा. नहीं हो जाएगा, तुम जाके तो देखो, तुम करके तो देखो, सुधा अमिताभ देखो, ऐसा हो जाएगा. नहीं होगा यार, मुझे अभी भी कंट्रोल कर रहा है, अभी भी कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कंट्रोल. मुझे मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि मुझे डायरेक्ट में इसने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है और सभी लोग एक्चुअली हमारे खुद के बहुत अच्छे हैं और सभी ने बहुत अच्छे से काम किया. Thank you for watching Back TV channel. For interviews and events coverage, contact on 989204679. Please subscribe Back TV channel and press bell icon for latest videos.